दोस्तों, क्या आपको पता है, जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसके अधिक दोस्त नहीं बनते, लेकिन जो दोस्त बनते हैं वो पक्के दोस्त होते हैं। और जो व्यक्ति जितना होशियार होता है वह उतनी ही तेजी से सोचता है और उसकी हैंडराइटिंग उतनी ही खराब होती है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, क्या आप ये भी जानते हैं, पूरी दुनिया के 11% लोग बाएं हाथ से खाना खाते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन। दोस्तों, यह एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारा दिमाग छोड़ता है जब हम रात या दिन में जब भी सोते हैं, और इसी केमिकल की वजह से हमें सपने आते हैं। लेकिन दोस्तों, फैक्ट की बात तो यह है कि यह केमिकल अब ड्रग्स के रूप में भी मिलता है, जिसे कुछ लोग लेते हैं सपनों में रहने के लिए, यानी सपने देखने के लिए इसका सेवन करते हैं। और दोस्तों, इसकी हेल्प से इंसान जैसे चाहे वैसे सपने देख सकता है। लेकिन काफ़ी देशों की सरकार ने यह ड्रग्स या केमिकल अब इलीगल कर दिया है, यानी इसे खुलेआम बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार अधिकतर लोगों को लगता है कि उनकी फीलिंग्स उनके बात करने के तरीके को प्रभावित करती है, और मे बी आपको भी ऐसा ही लगता हो, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च में कुछ और ही पता लगा है। साइकोलॉजिकल स्टडीज शो करती है कि हमारी फीलिंग्स हमारे बात करने के तरीके को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमें ऐसा लगता है, असल में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। यानी हमारे बात करने का तरीका या हम जिस तरह से अपने अलग अलग एक्सप्रेशंस और इमोशंस से बात करते हैं, वही हमारी फीलिंग्स को प्रभावित करता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि हम कितने भी शरारती क्यों ना हों, लेकिन जब कोई हमें ऑब्जर्व करता है तो हम संस्कारी बन जाते हैं। यानी हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम सीधे साधे बिल्कुल सिंसियर हैं। लेकिन दोस्तों, जब कोई अट्रैक्टिव लड़की किसी मेल या किसी पुरुष को या उसके काम को ऑब्जर्व करती है, तो उस व्यक्ति के ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी उसकी सोचने समझने और फोकस की पावर कम हो जाती है, जिससे वह अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उस लड़की से सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ किसी महिला या लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई मेल या फीमेल ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं, उनका अपने काम पर फोकस बना रहता है। फैक्ट नंबर 7, साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में इंसानों का किसी भी चीज पर अटेंशन स्पान लगातार घट रहा है। अटेंशन स्पान का मतलब है कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक किसी एक चीज पर फोकस कर पाता है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी की हाल ही में की गई एक स्टडी में पाया गया है कि अटेंशन स्पान पिछले 10 सालों में 20 मिनट से गिरकर 12 मिनट तक आ गया है। यानी लोगों का अटेंशन धीरे धीरे कम हो रहा है, और इसीलिए आप देखते होंगे कि पहले जहां लोग YouTube पर बड़े और नॉलेजफुल वीडियोस देखते थे, आज छोटे वीडियोस जैसे शॉर्ट्स और Instagram रील्स ज़्यादा पॉपुलर हैं। यानी लोगों का अटेंशन टाइम पीरियड कम होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी फ्री क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, डोजकॉइन, इथेरियम फ्री में कमाना चाहते हो, तो क्रिप्टो ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ साइनअप कीजिए, KYC कंप्लीट कीजिए और फिर ये रेफरल कोड एंटर कीजिए। रेफरल कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, जिसमें 100% आपको कोई ना कोई क्रिप्टो मिलेगी ही मिलेगी, और चांसेस है आप 0.02 BTC यानी लगभग 80,000 के बिटकॉइंस भी जीत सकते हो। और यही नहीं, आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके और भी क्रिप्टोज कमा सकते हो और इन्हीं क्रिप्टोज को रियल कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इस ऐप में आप UPI और बैंक ट्रांसफर से पैसे इजिली डिपॉजिट या विड्रॉ भी कर सकते हो। अब UPI पेमेंट है तो आप किसी भी दुकानदार या मॉल में भी इस ऐप की मदद से पे कर सकते हो, और साथ ही इस ऐप की मदद से आप क्रिप्टो पे रिक्वेस्ट या सेंड भी कर सकते हो एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसके लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज फी नहीं देनी होगी। और अगर आप लेन देन नहीं क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, तो वो भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा, जहां आप क्रिप्टो को बाय सेल या ट्रेड कर सकते हो। और इस ऐप का इंटरफेस इतना सिंपल और स्मूथ है कि इसे बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल वाला कोई भी इंसान यूज कर सकता है। एंड यू कैन डिपॉजिट और विड्रॉ एज स्मॉल एज 100 रुपीज़। और टेंशन मत लो दोस्तों, ये ऐप मोस्ट ट्रस्टेड ऐप है मार्केट में, और मैं पर्सनली इस पे ट्रस्ट करता हूँ। तो फ्री क्रिप्टो रिवॉर्ड्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करो और मजे करो। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि ज़्यादातर लोग जो अपने प्यार को कस्मों में बांधते हैं, उनके रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक टिके रहने की संभावना बिल्कुल कम होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी देखा होगा, कुछ लोग शादी से पहले एक दूसरे को कस्मों और बंधनों में बांधते हैं और एक दूसरे से ज़िंदगी भर प्यार करने की उम्मीद करते हैं। साइकोलॉजी का कहना है कि ऐसा करना उनके रिश्तों के लंबे समय तक टिके रहने के चांसेस और कम करता है, क्योंकि जब हम ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे पर ज़बरदस्ती चीज़ों को थोप रहे होते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि ज़्यादा समय तक हम किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जबकि आप एक माँ और एक बेटे को एक दूसरे की परवाह के लिए या प्यार के लिए कभी भी कस्में खाते हुए नहीं देखेंगे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, ये फैक्ट आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ कर सकता है, लेकिन ये सच है।
हम में से बहुत लोगों को लगता है कि हम किसी दूसरे की मदद करेंगे तो वह इंसान हमें पसंद करने लगेगा। हालांकि ऐसा करना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको पसंद करे, तो उसकी हेल्प करने की जगह आप उल्टा उससे अपने लिए हेल्प मांगे, क्योंकि ऐसा करने से वह इंसान खुद को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगेगा, यानी उसे अंदर से ऐसा फील होगा कि वह किसी की हेल्प करने की काबिलियत या इम्पोर्टेंस रखता है, और इससे वो आपको पसंद करने भी लग जाए शायद। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हम में से काफ़ी लोगों की आदत होती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उस काम से होने वाले बड़े बड़े फायदों के बारे में सोचने लगते हैं या उसकी कल्पना इमेजिनेशन करने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका मोटिवेशन का लेवल कम हो जाएगा और आप उस काम को बीच में ही छोड़ देंगे या पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचने से हमारे दिमाग की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, एक फेक अचीवमेंट फील होती है और हमारा एक्साइटमेंट भी खत्म होने लगता है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप कंसिस्टेंट ना रह पाओ और आप अपने गोल तक ना पहुंच पाओ। इसीलिए आप यदि अपना गोल अचीव करना चाहते हो तो उसे सीक्रेट रखो और रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए कंसिस्टेंट रहकर मेहनत करो। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि टीवी देखने का भी हमारे सपनों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे। वर्ष 1915 से 1950 के बीच के एक स्टडी के अनुसार उस समय लगभग 12% लोग ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखा करते थे, यानी कलरलेस या रंगहीन सपने, क्योंकि उस समय केवल ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन थे। लेकिन जब वर्ष 1960 के बाद कलरफुल टेलीविजन आने लगे तो उसके बाद लोगों को 12% की जगह केवल 4% ही ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, यानी उनको इतना जल्दी गुस्सा आता है कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और किसी पर भी अपना गुस्सा निकाल देते हैं, भले ही सामने वाले की उसमें कोई भी गलती ना हो तो भी उस पर गुस्सा निकाल देते हैं। और हो सकता है आपने भी यही सेम चीज़ किसी के साथ की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने बिना वजह गुस्सा निकाला हो। तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि जब किसी व्यक्ति को कहीं से भी कोई तकलीफ या दर्द मिलता है तो उसका दिमाग उस दर्द या तकलीफ को गुस्से की एनर्जी के रूप में बाहर निकालना चाहता है, और जिस इंसान के अंदर अपने दर्द या तकलीफ को सहने की शक्ति कम होती है उसे उतना ही जल्दी गुस्सा आता है और वो गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं ताकि उन्हें उस दर्द से छुटकारा मिले। है ना अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या किसी रिलेटिव को गुड मॉर्निंग या गुड नाइट बोलते होंगे या कभी मैसेज के थ्रू कहते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमारे गुड मॉर्निंग कहने भर से सामने वाले की मॉर्निंग गुड हो जाती है? तो दोस्तों इसके बारे में साइकोलॉजी कहते हैं कि आपकी हैप्पी या बेस्ट विशेस किसी का दिन अच्छा करे या ना करे, लेकिन उस वक्त उस इंसान का मूड काफ़ी हद तक अच्छा कर सकती है, क्योंकि आप जैसे ही किसी को हैप्पी या गुड विश कहते हो तो ये सामने वाले व्यक्ति के ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट करता है जिससे उसे खुशी मिलती है और वो इंसान आपको पसंद करने लगता है। इसीलिए कभी भी गुड या बेस्ट विशेस देने में पीछे ना रहें। तो दोस्तों अब बारी है बोनस फैक्ट की। दोस्तों YouTube पर एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए हमेशा अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस लाता रहता है। अगर आप उस बंदे की वीडियो को लाइक करते हो तो आपको अमेजिंगली बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो एक बार उस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताओ कि आपको खुशी मिली या नहीं। उस बंदे का नाम है मिस्टर प्रोटॉन और वो वीडियो है जिसे आप अभी देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग।